टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 2019 से ही कह रहा हूं कि CAA लागू होगा। गृह मंत्री ने एक बार फिर से अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया कि CAA किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि CAA देश के खिलाफ क्यों है, जैसे हम समझा रहे हैं कि यह देश के पक्ष में क्यों है। एक देश एक चुनाव वाली समिति आज राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकारी योजना को लेकर कहा कि योजना देश हित में होनी चाहिए, ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए जिससे सरकार का खजाना खाली हो जाए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में चार जगहों पर ईडी की रेड जारी है। शेख शाहजहां द्वारा संदेशखाली और उसके आसपास जमीनों को कब्जा करने के मामले में ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने इस मामले में PMLA के तहत मामला दर्ज किया था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत कई अन्य हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में तेज रफ्तार टैक्सी ने 15 लोगों को कुचल दिया है। दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शराब के नशे में धुत टैक्सी ड्राइवर ने बुध बाजार इलाके से लेकर मयूर विहार फेस 3 तक लोगों को कुचला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज नासिक के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंच गई थी। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते हैं। घरेलू शेयर बाजार के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं जा रहा है। सप्ताह के चौथे दिन भी बाजार पर गिरावट का दबाव दिख रहा है। गुरुवार को दोनों प्रमुख सूचकांकों BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी की शुरुआत नुकसान के साथ हुई। राष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर चुकी है। इस बीच आज एक ही मंच पर राहुल गांधी के साथ संजय राउत और शरद पवार नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की नाराजगी पर BJP नेता गोपाल शेट्टी ने कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है तो उन्हें शौक लगना स्वाभाविक है। BJP ने महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर दी है। BJP ने इस लिस्ट में नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट में एक नाम धुले लोकसभा सीट का भी है, जहां से BJP ने मौजूदा सांसद पर भरोसा जताया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट इन दिनों सुर्खियों में है। BJP नेता ने दावा किया है कि ये सीट अजीत पवार गुट को दे दी गई और संभव है कि यहां से सुनेत्रा पवार उम्मीदवार बने। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर BJP ने बुधवार 13 मार्च को 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और पूर्व राज्य मंत्री पंकजा मुंडे का नाम इस लिस्ट में शामिल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और बेरोजगारी के कारण किसान और आम लोग खुश नहीं है। इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा होगा और BJP को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 3 बार के विधायक और मंत्री रहे कांग्रेस नेता पद्माकर वल्वी BJP में शामिल हो गए हैं। उनका उत्तर महाराष्ट्र में काफी पकड़ है। वह कांग्रेस NCP की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सावरकर के बारे में कुछ भी अपमानजनक बोला तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कैबिनेट में राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर रखने की मंजूरी दी है। बारामती लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता जा रहा है। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। उनके खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने का ऐलान किया है। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता विजय शिवतारे ने भी बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।